नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12 विषय हिंदी और हम देख रहे थे भारत के पर्यटन स्थल एवं टूरिस्ट गाइड, जिनका तीसरा पार्ट हम देखेंगे। पहले पार्ट में हमने देखा था कि पर्यटन क्या है, या तो भारत में देखने लायक पटनी टॉप जो स्थल है वो किस प्रकार लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो दूसरे पार्ट में हमने देखा था कि भारत में नागालैंड और हम देखें कि उत्तर प्रदेश जो है वह किस प्रकार अपनी संस्कृति और ऐतिहासिक स्थलों की वजह से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो आगे हम देखने वाले हैं भारत के पर्यटन स्थल एवं टूरिस्ट गाइड में पार्ट 3 में, यानी कि भारत के 10 ऐसे मुख्य प्रमुख पर्यटन स्थल जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता या तो ऐसे धार्मिक महत्व के वजह से या तो वहाँ की संस्कृति की वजह से वे काफ़ी मशहूर रहे हैं या तो काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं और कई ऐसे देश विदेश के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भारत के 10 मुख्य ऐसे पर्यटन स्थल में पहला है कश्मीर। कश्मीर के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे, परंतु उनकी माहिती यहाँ कुछ दी गई है। तो आप सबसे पहले उनके जो चित्र हैं, यहाँ कुछ ऐसे चित्र दी गई हैं जिनको देखकर आप समझ सकते हैं कि कश्मीर आखिर किस प्रकार लोगों को आकर्षित का केंद्र बना होगा। अपनी जीवन सुंदरता के लिए कश्मीर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो कश्मीर के कुछ ऐसे दर्शनीय स्थलों में से है श्रीनगर, गुलमर्ग, दल झील, नागिन झील, परिमहल और पहलगाम है। यह सभी ऐसे स्थल है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफ़ी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो यह एक मार्क्स का हमारा प्रश्न भी है कि कश्मीर में देखने लायक ऐसे कौन कौन से स्थल हैं जो काफ़ी मात्रा में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिनको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे कि कश्मीर के ऐसे पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, श्रीनगर है, गुलमर्ग है, दल झील है, नागिन झील है, परिमहल है, जो अपनी ओर लोगों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अपनी सुंदर वादियाँ और पहाड़ों पर बसे गांवों के लिए यह पर्यटकों के बीच एक अलग ही स्थान रखता है। कश्मीर है जिन्हें हम धरती का स्वर्ग भी कहते हैं। तो आप चित्रों के आधारित भी देख सकते हैं कि वह वहाँ की प्रकृति कैसी है, वहाँ का सुंदर नज़ारा क्या है, जो अपने पर्यटकों को किस प्रकार आकर्षित कर सकते हैं। यहाँ के कुछ पर्यटन स्थल की हम माहिती देखें तो कश्मीर हम देखें धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला एक स्थल है। कश्मीर क्या है, तो यहाँ की नैसर्गिक छटा हर मौसम में एक अलग रूप लिए नज़र आती है। गर्मी में यहाँ हरियाली का आंचल फैला रहता है, तो सेबों का मौसम आते ही लाल सेब बागानों में झूमते नजर आते हैं। सर्दियों में हर तरफ बर्फ की चादर फैली रहती है और हम देखें तो पतझड़ शुरू होते ही जर्द चिनार का सुनहरा सौंदर्य और मनमोहक लगता है। पर्यटकों को सम्मोहित करने के लिए यहाँ बहुत ही कुछ है, शायद इसी कारण देश विदेश के पर्यटकों के लिए यह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ का श्रीनगर के बारे में हम देखें तो श्रीनगर भारत के जम्मू और कश्मीर प्रांत की राजधानी है और कश्मीर घाटी के मध्य में बसा यह नगर भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से है। श्रीनगर एक ओर जहाँ डल झील है के लिए प्रसिद्ध है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न मंदिरों के लिए भी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ऊंचाई पर बसा श्रीनगर विशेष रूप से झीलों और हाउस बोट के लिए जाना जाता है। तो इसके अलावा श्रीनगर परंपरागत कश्मीरी हस्तशिल्प और खूब सूखे मेवों के लिए भी विश्व प्रसिद्ध रहा है। तो गुलमर्ग की बात करें तो भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का एक हिल स्टेशन है। यह देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से है। फूलों के प्रदेश के नाम से भी मशहूर यह स्थान बारामूला जिले में स्थित है। यहाँ के हरे भरे ढलान सैलानियों को अपनी ओर खींचते हैं। दल झील की बात करें तो दल झील कश्मीर की एक प्रसिद्ध झील है। भारत की सबसे सुंदर झीलों में इनका नाम लिया जाता है। दल झील के मुख्य आकर्षण का केंद्र है यहाँ का हाउस बोट। तो नागिन झील देखें, यह झील दल झील से थोड़ी दूर है जो चारों तरफ पेड़ों से घिरी हुई है। और आगे है परिमहल। परिमहल हम देखें तो इससे एक महल कहा जाता है। तो यह श्रीनगर में पर्वतीय श्रृंखलाओं पर बसा हुआ एक स्थान है। पहलगाम को हम देखें तो भारत के जम्मू और कश्मीर प्रांत में अनंतनाग जिले का एक छोटा सा कस्बा है। यह एक विख्यात पर्यटक स्थान भी माना जाता है। यहाँ पर हमने देखा कि कश्मीर किस प्रकार अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ दर्शनीय स्थलों की वजह से लोगों का एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आगे हम देखते हैं गोवा। गोवा का नाम आप सभी ने सुना है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है जो कि समुद्र की
समुद्री बीच के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का सी फूड, जल में खेले जाने वाले खेल, इसे एक आनंद के स्थान के रूप में भी पहचान देते हैं। तो यहाँ स्थित अलोना का किला, गोवा म्यूजियम, चापोरा का किला अन्य पर्यटन आकर्षण के केंद्र है। यहाँ कहीं से एक एक मार्क्स के प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में भी लिखा है और आप यहाँ स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं। यहाँ एक चित्र है जो गोवा की है, आप देख सकते हैं कि वह वहाँ का समुद्र किनारा और वहाँ की प्रकृति किस प्रकार लोगों का आकर्षण का केंद्र बना होगा। तो गोवा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य माना जाता है। पूरी दुनिया में गोवा अपने सुंदर समुद्र के किनारों और प्रसिद्ध स्थापत्य के लिए भी जाना जाता है। तो सबसे प्राचीन मंदिर गोवा में दिखाई देते हैं। संस्कृति की दृष्टि से भी गोवा की संस्कृति काफ़ी प्राचीन है। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही प्रकृति गोवा को कुछ ऐसा ही अलग लेकिन अद्भुत स्वरूप प्रदान करती है। यह स्थान शांत प्रिय पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों को बहुत ही भाता है। तो यहाँ के आधुनिक बाजार भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह था हमारा गोवा, जिनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आगे हम देखेंगे कन्याकुमारी। कन्याकुमारी किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ हम देखें तो कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारा एक मार्क्स का प्रश्न है, जिन्हें आप नोट कर लेंगे। यहाँ पर हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जल का मिलन होता है। तो यहाँ से दिखने वाला सूर्यास्त का जो दृश्य है वह मनोरम होता है। हम देखें तो कन्याकुमारी तमिलनाडु प्रांत के सुंदर दक्षिण तट पर बसा हुआ एक शहर है। यह हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के संगम स्थल भी है, जहाँ भिन्न सागर अपने विभिन्न रंगों से मनोरम छटा बिखेरते रहते हैं। भारत के सबसे दक्षिण छोर पर बसा कन्याकुमारी वर्षों से कला, संस्कृति, सभ्यता का प्रतीक रहा है। तो भारत के पर्यटक स्थल के रूप में भी वे स्थान का अपना ही महत्व है। दूर दूर फैले समुद्र के विशाल लहरों के बीच यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा बेहद आकर्षक लगता है। समुद्र बीच पर फैले रंग बिरंगी रेत उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सूर्यास्त के लिए वह उनकी एक छवि भी आपके सामने है कि आप देख सकते हैं कि वहाँ का सूर्यास्त का नज़ारा कितना आकर्षक और मन को छू लेने वाला होगा। यह था कन्याकुमारी और जिनके बारे में हमने जानकारी ली है। तो यहाँ पर हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जल का मिलन होता है, जो हमारे लिए एक मार्क्स का प्रश्न भी हो सकता है। और कन्याकुमारी को और किस नाम से जाना जाता है, तो केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम देखेंगे जयपुर और उदयपुर, जो अपने वहाँ के महलों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। राजस्थान में स्थित जयपुर और उदयपुर अपनी कलात्मक और वास्तु सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। वास्तु एक प्रकार की एक विद्या भी है। उदयपुर में स्थित लेक पैलेस दुनिया के सबसे सुंदर स्थानों में से एक माना जाता है, जिनकी चित्र आपके सामने दी गई है कि यह लेक पैलेस दुनिया में काफ़ी मशहूर हुआ है। जयपुर में ही हवामंडल है, तो वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण भी माना जाता है। यहाँ हम देखें जयपुर और उदयपुर के बारे में कुछ जानकारी, तो जयपुर शहर भारत संघ के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी है। जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। जयपुर को पिंक सिटी अथवा तो गुलाबी नगरी भी कहते हैं। जयपुर अपनी समृद्ध भवन निर्माण परंपरा, सरस संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। जयपुर शहर की पहचान वहाँ के महलों और पुराने घरों में लगे गुलाबी गोलपुर पत्थरों से होती है, जो यहाँ के स्थापत्य की खूबी है। जयपुर में बहुत से पर्यटन आकर्षण है, जैसे जंतर मंतर, हवा महल, सिटी पैलेस आदि। जयपुर के रौनक भरे बाजारों में दुकानें रंग बिरंगे सामानों से भरी है, जिनमें हम देखें तो हथकरघा उत्पादन, बहुमूल्य पत्थर, मीनाकारी आभूषण, सफ़ेद संगमरमर की मूर्तियाँ आदि शामिल है। तो उदयपुर राजस्थान का एक नगर एवं पर्यटन स्थल है, जो अपने इतिहास, संस्कृति और अपने आकर्षण स्थलों के लिए प्रसिद्ध हुआ है। यह शहर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अनुपम है, तो इसे झीलों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ हम एक मार्क्स का प्रश्न देखें, तो लेक पैलेस कहाँ पर है, यह हमें प्रश्न पूछा जाए, तो उदयपुर में स्थित लेक पैलेस अपनी सुंदरता की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इनको भी आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। यह थी जयपुर और उदयपुर की जानकारी। आगे हम देखें तो केरल, भारत के सर्वाधिक संपन्न और शिक्षित राज्यों में से एक
केरल मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं उनकी प्रकृति कैसी है और हाउस बोट का वहाँ क्या महत्व है। तो यहाँ फैली हरी सुंदरता और नदियों में बोटिंग का अपना अलग ही आनंद दिखाई देता है। काफ़ी पर्यटकों को बोटिंग का आनंद वहाँ पर प्राप्त हो सकता है। केरल के बारे में हम जानें तो भारत की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर अरब सागर और सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य एक खूबसूरत भूभाग स्थित है, जिसे केरल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है, तो अपनी संस्कृति और भाषा वैशिष्ट्य के कारण पहचाने जाने वाले भारत के दक्षिण में स्थित चार राज्यों में से केरल प्रमुख स्थान रहा है। भू मध्य रेखा से केवल 8 डिग्री की दूरी पर स्थित होने के कारण केरल में गर्म मौसम है, लेकिन वन एवं पेड़ पौधों की एवं वर्षा की अधिकता के कारण मौसम समशीतोष्ण रहता है। यहाँ की धरती की उच्च निम्न स्थिति भी जलवायु पर बड़ा प्रभाव डालती है। केरलीय जीवन की छवि यहाँ मनाए जाने वाले उत्सवों में दिखाई देती है। केरल में अनेक उत्सव मनाए जाते हैं जो सामाजिक मेल मिलाप और आदान प्रदान की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। तो केरल प्रांत पर्यटकों में बेहद लोकप्रिय रहा है। यहाँ अनेक प्रकार के दर्शनीय स्थल भी मौजूद है। तो जो भी जिन्हें हम देखें कि सुंदरता से प्यार है या तो नदियों से प्यार है, वे वहाँ पर देख सकते हैं, बोटिंग का आनंद भी उठा सकते हैं। आगे हम देखते हैं दिल्ली के बारे में जानकारी। तो दिल्ली के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, काफ़ी जानकारी भी होगी। तो दिल्ली भारत का आर्थिक केंद्र होने के साथ साथ देश की राजधानी भी मानी जाती है। यहाँ पर स्थित इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, जामा मस्जिद और कुतुब मीनार को देखने के लिए पर्यटक के वर्ष पर आते हैं पर्यटक है वे वर्ष पर आते हैं। कौन कौन से स्थल है तो इनको आप नोट कर लेंगे एक मार्क्स के प्रश्न के लिए। यदि हम देखें तो यहाँ के स्थित इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, जामा मस्जिद और कुतुब मीनार जो ऐसे हैं पर्यटन स्थल है जो पर्यटक वहाँ पर वर्ष पर उनको देखने के लिए आते हैं। और हम दिल्ली के बारे में और कुछ जानकारी देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं इंडिया गेट और कुतुब मीनार जैसे कई ऐसे स्थल हैं जिनकी फ़ोटो भी दी गई है। तो दिल्ली भारत की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात दिल्ली में विभिन्न क्षेत्रों से लोगों का प्रवासन हुआ, इससे दिल्ली के स्वरूप में आमूल परिवर्तन हुआ है। दिल्ली केवल भारत की राजधानी नहीं है परंतु यह एक पर्यटन का मुख्य केंद्र भी है। राजधानी होने के कारण भारत सरकार के अनेक कार्यालय, राष्ट्रीय भवन, संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय आदि अनेक आधुनिक स्थापत्य के नमूने तो यहाँ देखे ही जा सकते हैं। तो प्राचीन नगर होने के कारण इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। दिल्ली भारत में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी माना जाता है। तो दिल्ली के विकास के साथ साथ यहाँ शिक्षा का भी तेजी से विकास हुआ है। मुंबई के बाद दिल्ली भारत के सबसे बड़े व्यापारिक महानगरों में से भी एक मानी जाती है। आगे हम देखेंगे दार्जिलिंग के बारे में। तो दार्जिलिंग को पहाड़ों की राजधानी कहा जाता है। यह हमारा एक मार्क्स का प्रश्न है कि पहाड़ों की राजधानी किसे माना जाता है, तो दार्जिलिंग को माना जाता है। तो आप क्या करेंगे, इनको नोट कर लेंगे। जो समुद्र तल से काफ़ी मीटर की उपस्थित है, यहाँ पर हम देखें तो स्थित चाय के बागानों के लिए यह दुनिया भर में जाना जाता है। यह भी हमारा एक मार्क्स का प्रश्न है कि चाय के बागानों के लिए कौन सा स्थल माना जाता है, प्रसिद्ध है, तो वह है दार्जिलिंग। यहाँ आप चित्र भी देख सकते हैं कि वहाँ की पहाड़ों की ढलान पर किस प्रकार चाय के बाग हैं जो वहाँ की लोगों की एक प्रकार की रोजगारी भी प्राप्त कराते हैं। तो दार्जिलिंग भारत के राज्य पश्चिम बंगाल का एक नगर है। यह नगर दार्जिलिंग जिले का मुख्यालय है और दार्जिलिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ की दार्जिलिंग चाय के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। यह शहर पहाड़ की चोटी पर स्थित है, यानी पहाड़ियों पर बसा हुआ स्थल है। चित्र के आधारित आप देख सकते हैं वहाँ की प्रकृति का नज़ारा और चाय के बागाने। आगे हम देखें तो मैसूर कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी है जो अपने महलों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्थित मैसूर का महल विश्व प्रसिद्ध है। इस महल को अंबा विला के नाम से भी जाना जाता है। या तो एक मार्क्स का हमारा प्रश्न बन सकता है कि अंबा विला कहाँ पर स्थित है, मैसूर में स्थित है। इस महल को देखने के लिए प्रतिवर्ष काफ़ी लोग वहाँ पर आते हैं। यहाँ उनका अंबा विला का चित्र भी आप देख सकते हैं कि वह किस प्रकार लोगों को आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो मैसूर न सिर्फ कर्नाटक में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो बल्कि आसपास के अन्य पर्यटन स्थलों के लिए भी एक बड़ी
कड़ी के रूप में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहाड़ी पर स्थित होने के कारण प्राकृतिक छटा का आवास बना हुआ है, तो यहाँ पर सूती एवं रेशमी कपड़े एवं अन्य कलात्मक वस्तुएं भी तैयार की जाती है। यहाँ प्रसिद्ध मैसूर विश्वविद्यालय भी है। यूँ तो दशहरा पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन मैसूर में इसका महत्व है और वे दशहरे के उत्सव के रूप में भी काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अम्बाविला महल जो कहाँ पर है, मैसूर में है, उनकी चित्र भी आपके सामने मौजूद है। आगे हम देखते हैं अजंता एलोरा के बारे में। तो अजंता एलोरा के बारे में तो आप लोगों ने काफ़ी अभ्यास में पढ़ा भी होगा या तो उनकी फ़ोटो भी देखी होगी। आपके सामने भी एक अजंता एलोरा की गुफाओं के कुछ नमूने या तो फोटो दी है। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित चट्टानों को काटकर बनाई गई ये मूर्तियाँ बौद्ध धार्मिक कला का अद्भुत उदाहरण है। वहाँ हम देखें तो बौद्ध धर्मोपदेश यानी कि बुद्ध भगवान के रिलेटेड कुछ गुफाएँ वहाँ पर स्थित है। तो एक मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाए तो आप उनको भी नोट करते जाएँ। और वे कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में चट्टानों को काटकर बनाई गई है। यहाँ पर पत्थरों की गुफा में बने मंदिर पर्यटकों को अपनी सुंदरता या तो खूबसूरती से आश्चर्यचकित कर देते हैं। कुछ गुफाओं के चित्र यहाँ हैं जिनको देखकर भी आप समझ सकते हैं कि वह किस प्रकार प्राचीन गुफाओं की हमें जानकारी दिलाते हैं। तो यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। इनके साथ ही सजीव चित्रण भी मिलते हैं। यह गुफाएँ अजंता नामक गाँव के सन्निकट ही स्थित है, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आई हुई है, जो अपनी शिल्प कला या तो कारीगरी की वजह से दुनिया भर में प्रसिद्ध हुई है। वहाँ की गुफाओं से वे काफ़ी प्रसिद्ध हुई है। आगे हम देखने वाले हैं बेंगलुरु के बारे में। तो बेंगलुरु भी एक प्रकार से हम देखें तो वहाँ कई ऐसे देखने लायक स्थल है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो हमने यहाँ तक भारत के कई ऐसे 10 मुख्य पर्यटन स्थल के बारे में देखा कि भारत अपनी संस्कृति में विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए हमेशा पर्यटकों को के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। तो यहाँ गोवा जैसे राज्य है, इसकी समुद्र तल दर्शनीय है। तो केरल और कश्मीर प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा कन्याकुमारी आध्यात्मिक आकर्षण का भी केंद्र रहा है। तो पुरी, कोणार्क, द्वारका, सोमनाथ, गिर, ऊटी, कोडाईकेनाल, मैसूर, बेंगलोर आदि अन्य प्रमुख पर्यटन स्थल है जो देश विदेश के लोगों को के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। राजस्थान भारत की ऐतिहासिक धरोहर के लिए परिपूर्ण है। तो ताजमहल आगरा में स्थित है। पूरे भारत में फैली विविधता, सौंदर्य और आकर्षण बरबस की दुनिया भर में वे पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमने तीसरे पार्ट में भारत के कुछ ऐसे 10 मुख्य पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त की है जो अपनी प्राकृतिक ऐतिहासिक जानकारी या तो उनकी संस्कृति के वजह से वे काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं और लोगों के लिए पर्यटन स्थल के लिए वह काफ़ी केंद्र के स्थान पर रहे हुए हैं। यहाँ हमने देखेंगे कि भारत के पर्यटन स्थल एवं टूरिस्ट गाइड का क्या अपना महत्व है और उनके तीनों पार्ट में हमने देखा कि भारत में ऐसे कौन कौन से पर्यटन स्थल है जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनते हैं। तो वहाँ के स्थानीय युवकों के लिए वह रोजगार के केंद्र भी बने हुए हैं या तो रोजगार का माध्यम भी बना हुआ है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ आपने तीनों पार्ट में भारत के पर्यटन स्थल एवं टूरिस्ट गाइड के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इनके जो स्वाध्याय के प्रश्न है वे हम तो नोटबुक में लिखेंगे ही और इनमें हम देखें तो कई ऐसे एक एक मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं जिन्हें मैंने आप लोगों को नोट करने के लिए कहा है। तो आप क्या करेंगे, यदि ना किया हो तो एक बार और वीडियो देखकर उनको नोट कर लेंगे। नमस्ते।